इसी कार्यकाल में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। बड़ी खबर इस वक्त के हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, मोदी कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ ये भी तय हो गया है कि इसी कार्यकाल में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। कल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर और सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवाएंगे। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, यानी एक देश एक चुनाव, एक साथ सभी चुनाव कराने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार 3.0 के इस कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा, ये संकेत भी मिल रहे हैं और ये संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। कल ही मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हुए हैं। उस मौके पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पत्रकारों की तरफ से सवाल किया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार कहां तक आगे बढ़ी है, तब उन्होंने कहा कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को हम लागू करेंगे। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है, जिसके बाद अब सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मतलब आने वाले दिनों में आपको एक देश एक चुनाव देखने को मिलेगा भारत में, और इसी कार्यकाल में कहा जा रहा है कि ये इसे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो रामनाथ कोविंद की कमेटी थी, जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था सरकार को, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस पर जो है अप्रूवल भी कैबिनेट का मिल गया है। देखिए, आपको बता दूं कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह जब प्रेस वार्ता कर रहे थे 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर, तो उनसे भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को सरकार जो है इंप्लीमेंट करने जा रही है। यानी पूरी तरह से रूपरेखा इस मसले पर साफ है और कह सकते हैं कि उसी रूपरेखा के मुताबिक आज की कैबिनेट में चर्चा हुई और इसको एक तरह से अप्रूवल इस बैठक में मिली है। जी, रिपोर्ट की कुछ बातें सोर्सेज के हवाले से अगर मिल पाई हूँ अनूप जी। हाँ, देखिए जो इन्होंने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से बात की थी, तमाम लोगों से बात की, राजनीतिक पार्टियों से बात की, और इसमें जो लघुलवाद था कि एक साथ किस तरीके से जो है चुनाव कराया जाए, क्योंकि देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने, तो इन सभी मुद्दों पर किस तरीके से कराया जाए उस पर चर्चा की गई थी और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सरकार को दी गई है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसे लोकसभा से भी पास कराना है, इसके अलावा राज्यों से भी अप्रूवल लेना है, तो तमाम चीजें इस पर है जिस पर सरकार जो है आगे आने वाले वक्त में इस पर विस्तृत रूप से जो है बैठकर आगे कैसे बढ़ना है इस पर चर्चा करेगी। लेकिन एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और आज सरकार ने उसको कैबिनेट में भी अप्रूवल दे दिया है, अब आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो एक तरह से यहाँ से खुल चुका है। अरूप जी, चूंकि एक गठबंधन की सरकार है, ऐसे में एक आशंका और एक सवाल ये भी था कि क्या सहयोगी दल इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? कैबिनेट से मंजूरी का मतलब ये है कि सभी की सहमति है? देखिए, कैबिनेट की मंजूरी का मतलब है कि सभी से सहमति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आएगी चूंकि इस पर बहुत ज्यादा संशोधन करने हैं, ऐसे में संभावना है कि इस पर राज्यों से भी जो है वो सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आपको एक साथ कराने हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा चुनौती है, क्योंकि इस पे अप्रूवल जो है विधानसभा से भी लेनी पड़ सकती है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो जरूर सरकार के अंदर चर्चा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी का गठन उन्होंने किया, उसकी रिपोर्ट पर विस्तृत कह सकते हैं विचार विमर्श किया, और अगर
कैबिनेट में जिस तरीके से इसको अप्रूवल मिला है, यानी कह सकते हैं कि जो सरकार का एजेंडा है उस पर एक तरह से अब गो अहेड हो गया है, वो आगे बढ़ने की जो पहल है उसकी शुरुआत हो गई है। जी एक बात ये भी कही जा रही है, और जैसा आपने कहा भी कि कल गृह मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा था कि हम इसी कार्यकाल में लेकर आएंगे, क्योंकि अभी ये इस कार्यकाल के चार प्रमुख कह सकते हैं पूरे पूरे 5 साल बचे हैं, मतलब 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, तो हम ये माने कि इस कार्यकाल का मतलब ये है कि 2025, 26, 27, 28, 29 तक कभी भी ये हो सकता है, या फिर सरकार ये चाहती है कि नहीं पूरे 5 साल तक इंतजार न किया जाए, इस दौरान अगर पहले भी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले भी अगर सहमति बन जाती है तो जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या अनूप जी? देखिए यही सरकार के सामने सबसे ज्यादा चुनौती है कि किस तरीके से, क्योंकि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं फिर अगले साल होने हैं, तो आपने भी देखा है कि हर साल किसी ना किसी राज्य के जो है चुनाव होते हैं, तो ऐसे में कैसे किया जाए, ये सारी बातों का विश्लेषण रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें की गई है, और उसमें रिपोर्ट भी सरकार को दी गई है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी सिर्फ इतना है कि आज का दिन एक वाकई अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर कैबिनेट अप्रूवल देता है तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि सरकार कह रही है कि इसी कार्यकाल में किया जाएगा, तो कह सकते हैं कि 2029 से पहले इसको लागू किया जाएगा, और कोशिश होगी कि 2029 का लोकसभा चुनाव के वक्त में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराएगा। ओके ठीक है अनूप जी, आप बने रहे हमारे साथ न्यूज रूम से, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, कल ही गृह मंत्री की तरफ से बयान आया था कि हम इसी कार्यकाल में लेकर आएंगे, और आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, आप बने रहिए अनुपम हमारे साथ। इसी बीच अनिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनिला जी, सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, और एक आशंका ये थी कि क्या सहयोगी दलों को मना पाएंगे, क्या कैबिनेट से मंजूरी का मतलब ये है कि सब सहमत हैं? मेरी सबको राम राम जी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो शुरू से ही स्पष्ट थे, राष्ट्र हित के लिए स्पष्ट थे कि हर साल इलेक्शंस होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य हैं उनमें ढील पड़ जाती है, और लगता है कि राष्ट्र के लिए ये एक बहुत मजबूत और अहम कदम है, और जो विपक्ष है अगर वो राष्ट्रहित के विषय में सोचते हैं तो उनको बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए, पर उनके लिए राष्ट्र अगर सर्वोपरि नहीं है, या वो लोग जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं वो तो अड़चन लगाएंगे ही लाएंगे, परंतु उनको ये समझना चाहिए कि जब उनकी सरकार शुरू में उनके परिवार वालों की सरकार थी तब भी वन नेशन वन इलेक्शन होता था, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए अच्छा है। ठीक है, जी चूंकि आपने विपक्ष का जिक्र किया तो अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को, और अनिला जी ये कह रही हैं कि अगर विपक्ष राष्ट्रहित चाहता है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, तो उसे भी इस पर साथ में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में कब सोचती है? भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के विकास के बारे में सोचती है, राष्ट्र के बारे में अगर कोई सोचता है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन या समाजवादी लोग, वो समाज के विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। एक बात, दूसरी बात, जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का बात है, अभी तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, क्या मसौदा बनाया है, क्या उन्हें ड्राफ्ट बनाया है, क्या चाहते हैं वो, कैसे चुनाव करवाएंगे, कहां पे कैसे चुनाव होगा, तो पार्लियामेंट में आएगी जी, पार्लियामेंट में इसमें बहस होगा, ऐसा थोड़ी है कि कैबिनेट ने बात मंजूरी दे दी तो चीज बन गई। भाई आप उसमें क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, देश के सामने लाना पड़ेगा ना, देश को बताना पड़ेगा, और देश की जनता ने आपको चुना है ना, इसलिए थोड़ी चुना है कि इसमें बहस नहीं होगी, इसमें बहस होगी, बात होगी, क्या उसमें सही निकल के आएगा, कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसके पर चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर में, सदन में इस पे बात होगी, क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित है, ये देश की। ओके अनिला जी, आपका काउंट है, पार्लियामेंट में इसमें बहस नहीं होगी। भदौरिया साहब का टर्न पूरा हो गया तो मैं बोलती हूँ। खैर, आपने मेरा रिवर्स मांगा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो दीवार की तरह खड़े होंगे, तो अभी भदौरिया साहब ने अपना स्टेटमेंट देके ये सिद्ध कर दिया है, और मैं इनको ये बताना चाहूंगी भदौरिया साहब को कि भदौरिया साहब, जिस पार्टी का पल्लू पकड़कर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, तो उस पार्टी के समय पे भी शुरुआत में आप देख लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, और आज की तारीख में उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं
जो भारत को जोड़ने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं पर जोड़ नहीं पाते हैं, वो तो भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते हैं। और जब भारत को राष्ट्रीय नहीं मानते हैं तो राष्ट्रहित के विषय में तो सोच ही नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी तो कम से कम हमें पाठ ना पढ़ाए कि राष्ट्र क्या होता है। अखंड भारत का स्वप्न अगर कोई देखता है तो भारतीय जनता पार्टी देखती है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो वो अखंड भारत के बारे में क्या सोचेंगे जी? कमाल की बात करते हैं, जो लोग नफरत की राजनीति करते हो, समाज को बांटने की बात करते हो। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है, आपका क्या रिएक्शन आप देंगे जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? चारों राज्य बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, इसे मैं सिर्फ एक सिगुफा मानता हूँ धान हटाने के लिए। कभी इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी संख्या देखी? ये दोनों जगहों पे क्या इसे दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता पड़ने पर कोई संवैधानिक परिवर्तन होगा तो पारित करा पाएंगे? कैबिनेट तो ठीक है, कैबिनेट आपकी से आपने कर लिया, पर वहाँ क्या आप कर पाएंगे? क्या आपने कोई राय मशवरा किया है? तो मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता। जैसे महिला आरक्षण बिल ला के इन्होंने रख दिया उसे ठंडे वस्ते में, इसको भी रखेंगे। अब आप बताइए, जो चुनाव हो रहे हैं चार राज्यों के, इनका कार्यकाल तो 5 साल बाद पूरा होगा, उत्तर प्रदेश का 2-2.5 साल बाद पूरा होगा, राजस्थान का अलग होगा, मध्य प्रदेश के साथ होगा, तो आखिर ये कैसे करेंगे? इसके लिए पारित करने के लिए तुमको 2/3 बहुमत चाहिए ना। अगर सबको साथ करना है तो वो इनके पास है नहीं। मैं ये मानता हूँ पूरी तरह से गुफेबाजी है, इसमें कोई सच्चाई कोई वो नहीं। मैं फिलहाल इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ड्राफ्ट आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, उसको पढ़ने के बाद टिप्पणी करेंगे। नहीं तो कांग्रेस क्या इसके साथ खड़ी है? अगर जिस तरीके से मोदी सरकार इसको लेकर के आ रही है और पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, आपको लगता है कि ये कदम बिल्कुल सही है? मैंने आपसे कहा ना, ड्राफ्ट आने दीजिए, अभी कैबिनेट में पास हुआ, क्या पास हुआ, क्या स्वरूप है उसका? जब ये आएगा लोकसभा राज्यसभा में ड्राफ्ट के फॉर्म में, बिल का ड्राफ्ट आएगा, तो पढ़ने के बाद ही मेरिट पे कह पाएंगे ना। ऐसे कैसे कह देंगे, अभी हमें क्या मालूम, नाम का टाइटल मालूम है वो जी? प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, अगले सत्र में बिल लेकर के आएगी मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट ने यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है, ये बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी, मोदी कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूरी दी है, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है, एक देश एक चुनाव को मंजूरी यहाँ पर दी गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कमेटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, एक देश एक चुनाव से सरकारी संसाधनों की बचत होगी, जो पैसा खर्च होता है चुनावों में उसकी बचत होगी, चुनावी लागत में भी कमी आएगी, आदर्श आचार संहिता की अवधि में भी कमी होगी। अभी हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव होता है उससे पहले आचार संहिता लग जाती है और 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव पर होने वाला खर्च भी यहाँ पर बचेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है और इसी कार्यकाल में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इस बात को लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले से ही कहते चले आ रहे थे और इसको भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दी थी और इसे लेकर पूरी तरह से पक्का मन बना चुकी बीजेपी, ये कहती रही थी कि सरकार आने के बाद इसको लागू किया जाएगा, इससे देश में होने वाला खर्च बचेगा, सरकारी संसाधनों की बचत होगी, आदर्श आचार संहिता की अवधि में कमी आएगी और इस सब को लेकर जो है एक देश एक चुनाव की जो धारणा है इसको लागू किया जाएगा और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा न्यूज रूम से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, चुनाव से पहले से ही बीजेपी खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा को पुरजोर तरीके से लोगों के बीच रख रहे थे, भाजपा ने इसको अपने लोकसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में भी जगह दी और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तमाम रिएक्शन आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर